वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं जो सब्जेक्ट सबसे डिफरेंट है ना। आज का हमारा सब्जेक्ट है नीति शास्त्र या एथिक्स, है ना। तो आज हम नीति शास्त्र और एथिक्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तक मेरे जितने लेक्चर्स आए वो सारे लेक्चर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए थे, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट एग्जाम के लिए तो है ही, लेकिन ये सबके लिए जानने के लिए है। क्यों? क्योंकि इसमें नीति का पता चलता है, है ना। नीति का मतलब होता है अच्छे काम, है ना, कि हमें जीवन में क्या क्या अच्छे काम करना चाहिए, क्या क्या अच्छे काम नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जीवन में क्या सही है क्या गलत है, इसका जो विशेष ज्ञान है वो इस सब्जेक्ट से ही प्राप्त होता है। इस सब्जेक्ट को सिविल सर्विस में लाया गया है, है ना। इस सब्जेक्ट को सिविल सर्विस या लोक सेवा में जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीएससी की बात करें हम, पीएससी की बात करें, है ना, तो उनमें इस एग्जाम को रखा गया है। अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं देखूं तो इस सब्जेक्ट की जरूरत प्रत्येक व्यक्ति को है। अगर प्रत्येक व्यक्ति को नहीं तो लगभग जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है सभी को इसकी जरूरत है। अगर सारे गवर्नमेंट सर्वेंट इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो मेरा ये मानना है कि भारत में भ्रष्टाचार जो है, करप्शन जो है, वो बहुत जीरो लेवल तक तो नहीं लेकिन बहुत कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसे पढ़ने के बाद व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि कौन सा काम करना उचित है और कौन सा काम करना अनुचित है, क्या सही है क्या गलत है। तो सही और गलत का विभेद ज्ञान कराने वाला जो सब्जेक्ट है वो नीति शास्त्र है। जीवन में हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों से संवाद करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमसे गलत हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों से हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, व्यक्ति परिवार में हम सही सामंजस्य नहीं बैठा पाते, है ना। तो उसका कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं हमारी नीतियाँ थोड़ी सी अलग होती हैं, है ना। हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं लेकिन हमारी नीतियों को हम खुद ही नहीं समझ पाते। लेकिन ये सब्जेक्ट जो है, इस सब्जेक्ट में आप पढ़ने के बाद आप अपने अंदर के ज्ञान को और वास्तविक ज्ञान को एक बहुत अच्छे पैरामीटर पर कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि इस सब्जेक्ट को सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। तो आज से हमारी एथिक्स की सीरीज शुरू हो रही है जिसमें मैं एथिक्स को कम्प्लीटली पूरा कराऊँगा और एक एक करके मैं रोज़ इसके एक छोटे छोटे टॉपिक पर वीडियो बनाता जाऊँगा। जैसे, है ना, एथिक्स क्या है, एथिक्स के बाद एथिक्स किन किन चीज़ों पर लागू होती है, एथिक्स में क्या क्या नियम हैं, कांट की मीमांसा क्या कहती है, है ना, आवश्यक मानवीय आवश्यकताएं क्या कहलाती हैं, मनोवृत्ति क्या है, है ना, एटीट्यूड क्या कहलाता है, अभिक्षमता क्या है, सत्यनिष्ठता क्या है, सहिष्णुता क्या है, है ना, मनोभाव क्या है, अभिरुचि क्या है, है ना, तार्किकता क्या है, बौद्धिक विश्लेषण क्या है, इंटेलिजेंस कोशेंट क्या है, है ना। और इसके अलावा अंतिम जो टॉपिक बचता है केस स्टडी का और दार्शनिक का, है ना, केस स्टडी का और दार्शनिक का, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो इस तरीके से हमारे रोज़ एक एक टॉपिक आएंगे, क्लासेस लेक्चर्स वाइज अलग अलग लेक्चर्स आपके सभी टॉपिकों के रहेंगे। तो ये सीरीज आपकी यहाँ से कंप्लीट चलने वाली है, जिसे मैं प्ले लिस्ट में डाल दूंगा। सारे जितने भी लेक्चर होंगे इस सब्जेक्ट के उनको मैं प्ले लिस्ट में डाल दूंगा और वहाँ से जाकर आप इनको देख सकते हैं। ये जो पहली क्लास है ये सभी के लिए ओपन रहेगी। इस क्लास में आपको जनरल एनालिसिस हो पाएगा और आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से एथिक्स में क्या क्या पढ़ा जाता है, है ना। और दूसरा आपको ये भी पता चल पाएगा कि मैं एथिक्स किस तरीके से पढ़ाता हूँ। ये मान के चलिए कि एक प्रकार का ये डेमो है, लेकिन इसके बाद जितने भी वीडियो रहेंगे वो सारे प्राइवेट रहेंगे, है ना। उसका कुछ मिनिमम कॉस्ट रहेगा, उस कॉस्ट को आप पे करके आपको मैं लिंक भेज दूंगा और उससे आप वॉच कर सकते हैं। मतलब सारे जितने भी वीडियोस हैं उनको आप वॉच कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो नीति शास्त्र है, ये जो नीति शास्त्र है इसको आचार शास्त्र भी कहा जाता है। नीति शास्त्र को आचार शास्त्र भी कहा जाता है और इसे इंग्लिश में एथिक्स कहा जाता है, है ना। आपने एक शब्द सुना होगा एथिकल हैकिंग, है ना। पहले शब्द मैंने भी ये सुना था लेकिन मैं समझ नहीं पाया था कि हैकिंग तो ठीक है, हैकिंग तो मैं समझता हूँ, आप लोग भी समझते होंगे क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड सबका रहता ही है, तो हैकिंग समझ में आता है। लेकिन मैं बहुत परेशान रहता था कि एथिकल क्या होता है, हैकिंग में एथिकल क्यों लगाया जाता है।
तब जब मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि एथिकल हैकिंग का मतलब ये है कि वह हैकिंग जो सही हो, जो नीतिगत हो। मतलब ये है कि जब किसी चोर को पकड़ा जाए या किसी गुनहगार को पकड़ा जाए, तब पुलिस प्रशासन या क्राइम ब्रांच द्वारा जिस व्यक्ति द्वारा हैकिंग कराई जाती है वो एथिकल हैकिंग कहलाती है, मतलब वो नीतिगत हैकिंग कहलाती है, उसे बुरा कहना उचित नहीं होता, मतलब वो उचित उचित हैकिंग कहलाती है। तो इस तरीके से नीति शास्त्र या एथिक्स शब्द बना है। यूपीएससी में इसको 2013 में जोड़ा गया और एमपीपीएससी में आपका ये 2014 में जोड़ा गया शब्द। ये विषय यूपीएससी में 250 नंबर का रहता है, पीएससी में आपका 200 नंबर का पूछा जाता है ना, जो पेपर फोर्थ होता है ना, पेपर फोर्थ, तो जो पेपर चौथा है वो आपका एथिक्स का ही होता है, उसमें पूरा एथिक्स होता है। और मैं ये कहूंगा कि ये बहुत छोटा सब्जेक्ट होता है, इस छोटे सब्जेक्ट को पढ़कर आप 200 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक जो पेपर हिस्ट्री का होता है उसमें आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, आधुनिक पढ़ेंगे, मध्यकालीन पढ़ेंगे, प्राचीन पढ़ेंगे, विश्व इतिहास पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे, पूरा इतिहास पढ़ेंगे, तब जाकर आपको वो पेपर में फायदा मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट बहुत छोटा होता है, इसमें ज़्यादा खंड मंड नहीं होते, ये बहुत शॉर्ट होता है, तो इसको आप जल्दी तैयार कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग इसको पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्ट मेंस देने चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं सारे सब्जेक्टों से आपको ज्ञान मिलता है, सभी सब्जेक्टों से, चाहे आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, चाहे आप पॉलिटी पढ़ेंगे, सबसे आपको ज्ञान मिलेगा, सब सब्जेक्टों से आपको ज्ञान मिलेगा। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट ये नहीं बता पाता कि ये सही है कि ये गलत है। सही और गलत का जो ज्ञान है वो आपको नीति शास्त्र में मिलता है। बायोलॉजी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फायदेमंद हैं, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड हैं जो नुकसान देते हैं। क्या सही है क्या गलत है वो कहाँ से पता चलता है? नीति शास्त्र से, ठीक है। जैसे मान लो हम बात करें HCl अम्ल की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? ये एक अम्ल है जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, जो कि आपके आमाशय में रिलीज होता है। लेकिन वहीं मैं साइनाइड की बात करूं तो साइनाइड जहर होता है ना। तो ये अच्छा अम्ल और ये जहर कंपाउंड हमें कैसे समझ में आया? नीति से समझ में आया। हमने अपनी नीति को लगाया, हमने अपनी एथिक्स को लगाया, उन दोनों को एनालिसिस किया, उनको पहचाना, और फिर हमें पता चला कि जहर का क्या रोल है और इस अम्ल का क्या रोल है। तो उससे हमें उनके सही और गलत के विभिन्न ज्ञान का पता चलता है, तो वो एथिक्स से ही संभव हो पाता है। और इसका मुख्य कारण यूपीएससी या सिविल सर्विस में लाना इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि अधिकांश तौर पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट या छोटे टाउन हैं वहाँ पर जब इन लोक सेवकों की पोस्टिंग होती थी तो बहुत सारी जो एजेंसी हैं उनके द्वारा ये पता चला कि जो लोक प्रशासन है वो सही से काम नहीं कर पा रहा। लोक सेवक लोग बन तो जाते हैं लेकिन अधिकांश तौर पर जो मोटे होता है वो पैसा कमाना होता है ना। बनते लोक सेवक हैं, है ना, बनते सिविल सर्वेंट हैं कि लोगों की क्या कर सकें, सेवा कर सकें, लेकिन करते क्या हैं? भ्रष्टाचार करते हैं, करप्शन करते हैं, है ना। तो उतना अच्छे से विकास नहीं हो पाता, है ना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं हो पाती, है ना। तो इस कारण से एथिक्स को लाया गया, और एथिक्स को इसलिए लाया गया ताकि आपके जीवन में आपकी जो सोच है उसमें परिवर्तन आ सके और आप लोक सेवक होते हुए सभी लोगों को क्या कर सकें, सभी लोगों को बहुत अच्छे से विकास कर सकें, पूरे समाज का विकास कर सकें, राज्य का विकास कर सकें, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकें, समाज हित कर सकें, है ना, व्यक्तिगत हित कर सकें। तो सभी हितों के सही काम करने के लिए इस सब्जेक्ट को लाया गया, किसमें? सिविल सर्विस में। मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट सभी गवर्नमेंट जॉब्स में आना जरूरी है ना। इससे ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि क्या क्या मतलब आपका सिलेबस बढ़ा दिया है, इससे ये फ़र्क पड़ जाएगा कि आपको जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं अपडेट हो जाएगा और आपके जो जॉब में जो नीति बन जाएगी वो बहुत अच्छी होगी। तो सकारात्मक विचार का मन में होना बहुत जरूरी है, भले ही आप किसी भी पोस्ट पर काम करते हों। तो वो सकारात्मक विचार आपको कहाँ से आता है? नीति शास्त्र से आता है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया कि क्यों जरूरी है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोक सेवक होते हैं जो आईएएस से भी बनते हैं, जो पीसीएस या पीएससी से भी बनते हैं। तो कई लोक सेवकों को आपने देखा होगा, बहुत सारा पैसा कमा लिया है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन वो अपने जीवन से खुश नहीं रहते, वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं,
लोक सेवक तो बन जाते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं लोगों की सेवा ठीक से नहीं कर पाते। बहुत सारा दबाव प्रशासन का रहता है, बहुत सारा दबाव लोगों का रहता है, बहुत सारी जांच कमेटी बैठ जाती हैं तो रिश्वत के इंजाम में फंसने का बहुत डर रहता है। तो ये बहुत सारी समस्या होने के कारण वो अपना सुखद जीवन नहीं जी पाते और अपनी जो दिमागी थॉटिंग प्रोसेस है उसी में फंसे रहते हैं। और बहुत सारे लोक सेवकों को मैंने आत्महत्या करते हुए भी सुना है। लोक सेवक हैं सबसे बड़ी पोस्ट है ना, इससे अच्छा जो दायित्व है वो समाज में मिलना पॉसिबल नहीं होता। सब कुछ मिलता है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति दुखी है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर नीतियों की क्या है, कमी है। उसके जो थॉट प्रोसेस हैं वो थॉट सही नहीं है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से वो उलझा हुआ है। तो उन नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचार में बदलना और उनमें सही क्या है गलत क्या है, तार्किक चुनाव कर पाना, बौद्धिक क्षमता में विकास करना, ये सबसे जरूरी होता है। ठीक है, तो इसके लिए सब्जेक्ट को लाया गया। एक चीज और मैं बताता हूँ आपको कि कुछ समय पहले क्या होता था कि जो व्यक्ति एग्जाम में ज्यादा नंबर लाएगा, सबसे ज्यादा टैलेंटेड वही होता है, सबसे ज्यादा होशियार उसी को माना जाता है। एक समय ऐसा हुआ करता था जब हम लोग पढ़ाई करते थे तब ऐसा अभी भी होता है, खैर अभी भी यही माना जाता है कि जो लोग सबसे ज्यादा नंबर लाते हैं एग्जाम में, जो लोग अपना अच्छा IQ रखते हैं वही सबसे ज्यादा आगे पहुंचते हैं। लेकिन इस विषय ने इस चीज की परिभाषा को ही बदल दिया है। इस विषय से क्या हुआ, इस विषय से IQ और EQ दो अवधारणाओं को जन्म दिया। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट और EQ का मतलब होता है इमोशनल क्वोशेंट। इमोशनल IQ जो है वो आपका खुद के लिए है। आपका IQ है मतलब आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, आपने सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे नंबर लिया है ना, बहुत अच्छा आपने सिविल सर्विस PCS या UPSC में टॉप कर लिया, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा नंबर लाया है, ये जरूरी है कि वो व्यक्ति जाके समाज का भला ही करेगा? ये जरूरी है कि वो जाकर भ्रष्टाचार नहीं करेगा? मैंने देखा है कि जो लोग ज्यादा होशियार होते हैं, जो लोग ज्यादा नंबर लाते हैं, तो वो अपनी होशियारी जो है वो वहां पर इस तरीके से लगाते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा खाया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार हो सके, है ना। एक सिद्धांत है जो मैंने एक बुक में पढ़ा था कि जिस प्रकार मछली में जिस जिस प्रकार समुद्र में मछली जिस प्रकार समुद्र में मछली पानी पीते हुए दिखाई नहीं देती, जिस प्रकार समुद्र में मछली पानी पीते हुए दिखाई नहीं देती, वैसे ही लोक सेवक भ्रष्टाचार करते हुए नजर में नहीं आता। भ्रष्टाचार करते हुए नजर में नहीं आता मतलब ये है कि जब वो भ्रष्टाचार करेगा तो आपको उसका भ्रष्टाचार पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक सिविल सर्वेंट है, उसमें इतना बुद्धि है कि वो अपने सभी कार्यों को इतने अच्छे से करता है कि जब जांच कमेटी होती है तो अपने सारे जो सबूत है वो पहले ही क्लियर करके रखता है। तो जिस व्यक्ति में IQ होगा तो वो कहीं ना कहीं अपना जो IQ है वो गलत बे में भी लगा सकता है ना। जो IQ उसका नंबरों के कारण बढ़ा है तो हो सकता है वो अपना IQ किसी गलत चीजों में भी लगा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो समाज का हित ही करे। समाज का हित करने के लिए क्या जरूरी है, EQ जरूरी है। इमोशनल क्वोशेंट मतलब आप व्यक्तियों से कितने इमोशनली जुड़े हैं। अगर किसी दीन दुखी गरीब व्यक्ति मजदूर व्यक्ति को आप दुखी अवस्था में देखते हैं और दुखी अवस्था में देखने के बाद अगर आपके मन में आपकी जो आत्मा है वो ये नहीं कहती कि इसका विकास करना है, तो आपका किस काम का IQ या किस काम का आपका इतना नंबर। तो नंबर लाना जरूरी नहीं है, नंबर भले ही आपके कम आए लेकिन आप समाज में जाके आप एक अच्छा काम करें, चार लोगों का विकास हो, एक समाज का विकास हो, और जब आप रिटायर हों तो आपको एक अच्छे नाम से जाना जाए, ये इसका सबसे बड़ा महत्व है। ठीक है, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि नंबर लाना या टॉप करना ही जीवन में सब कुछ नहीं होता। आप अपने कामों से, आप अपने कार्यों से कितने व्यक्तियों का जीवन बदल पाए हैं वो जरूरी होता है। और जो आप दूसरों का विकास करते हैं वो EQ नहीं कर पाता, वो IQ कर पाता है। एक बात हमेशा याद रखना, जो होशियारी गिरी है वो केवल अपने लिए होती है और जो IQ है जो सॉरी जो EQ है वो दूसरों के लिए होता है।
इमोशनली आप दूसरे से जुड़े होते हैं, दूसरों का आप दुख दर्द समझें, दूसरों का आप दुख दर्द समझें, तभी आपके अंदर क्या होगा, ईक्यू होगा। तो समझ में आया। वहां जाकर जब आप एक प्रशासक बन जाते हैं, तो प्रशासक बनने के बाद ये नहीं देखा जाता कि आपके कितने नंबर हैं, ये देखा जाता है कि आपने कितना अच्छा काम किया है। ज्यादा नंबर वाले को कभी प्रमोशन नहीं मिलता, एक बात हमेशा याद रखना, प्रमोशन उसी को मिलता है जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, जो व्यक्ति लोगों का विकास करता है, राज्य का विकास करता है, उसको जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलता जाता है और सैलरी में भी परिवर्तन आता जाता है। पहले क्या होता था कि पहले सभी लोगों का प्रमोशन बराबर होता था समय के हिसाब से, लेकिन अब क्या है, अब कार्यों के हिसाब से प्रमोशन होता है, आपकी कार्यशैली के आधार पर सैलरी का निर्धारण होता है। ठीक है, तो आप जरूर से ये बात याद रखें कि आपको एक नैतिक पर्सन बनना है, एक एथिकल पर्सन बनना है, ना कि एक आईक्यू पर्सन बनना है। जब आप एथिकल पर्सन बनेंगे, अच्छे काम करेंगे, आपके कार्य से चार लोगों का जीवन बदलेगा, तो निश्चित तौर पर आपने एथिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आप एथिक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो प्रशासन में कहीं भी किसी भी प्रकार की आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि अगर आप अभी सामान्य जो जीवन जी रहे हैं, जब आप एक लोक सेवक बन जाएंगे, एसडीएम या डीएम बनते हैं, तो एसडीएम या डीएम बनने के बाद क्या आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी? तब आपके जीवन में डबल ट्रिपल समस्या स्टार्ट हो जाएगी। एक तो आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन की, जो आपका पर्सनल जीवन है, उनकी समस्याएं अलग रहेंगी, है ना, दोस्त हैं, यार हैं, घूमना है, फिरना है, ये है वो है, एक समस्या ये रहेगी। दूसरा आपका वैवाहिक जीवन रहेगा, तो वैवाहिक जीवन में आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, उनसे आप फंसे रहेंगे, तो उनका दायित्व तो अलग बढ़ जाएगा। तीसरा आपका परिवार होगा, और भी जो परिवार है, मम्मी पापा हैं, है ना। इसके अलावा आपका एक प्रशासन का जो परिवार है, वो बहुत ब्रॉड परिवार होता है, उसमें आपको एक पूरे जिले को संभालना है, पूरे जिले में जितने भी गांव हैं, है ना, हजारों परिवार हैं, है ना, उनकी समस्याएं हैं, है ना, उनके लिए रोड बनवाना, पानी की व्यवस्था करना, बिजली पहुंचाना, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, तो उनका पूरा दायित्व तो केवल और केवल लोक प्रशासक के ही हाथ में होता है, और उसका एक डिसीजन, उसका एक छोटा सा डिसीजन बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वो एक जरा सा डिसीजन हाँ या ना करेगा ना, तो वो हाँ या ना केवल उसके जीवन का नहीं होता। अभी आप देखें, देखते होंगे कि आपके जीवन में आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो वो केवल आपके जीवन तक ही प्रभावी है, लेकिन जब आप लोक सेवक के तौर पर एक छोटा सा डिसीजन हाँ या ना में तब्दील करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसका प्रभाव हजारों लोगों पर पड़ता है, हजारों परिवारों पर पड़ता है, बहुत सारे गांवों पर पड़ता है। तो इसलिए जो आपका निर्णय है वो आपका कैसा हो, नीतिगत हो। जो आपका निर्णय है, जो आपका डिसीजन है, वो नीतिगत होना चाहिए, और नीतिगत का मतलब होता है सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, नीतिशास्त्र इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप बेहतर विकल्प का चुनाव कर सकें। नीतिशास्त्र आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप बेहतर विकल्प का चुनाव कर सकें। बेहतर विकल्प का चुनाव का मतलब ये है कि आपके सामने बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी रहेंगी जिनमें आपके सामने, आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि आप सही और गलत को चुनने में असमर्थ होंगे। जब आप सही और गलत को चुनने में असमर्थ होंगे, तब आपको एक बीच का रास्ता चुनना है, तब आपको एक बीच का रास्ता चुनना है, और जो बीच का रास्ता है वो आप इस विषय के नियमों के आधार पर चुनेंगे। आप कुछ अपने नियम लगाएंगे, है ना, कुछ आप नीतिगत नियम लगाएंगे, कुछ इस विषय के सिद्धांतों के आधार पर सोचेंगे, कुछ आप उस कंडीशन के आधार पर सोचेंगे, और जब अंतिम में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तब आपको दार्शनिक, जो बहुत महान दार्शनिक हुए हैं हमारे विश्व में, उन दार्शनिकों ने अपने जीवन में क्या क्या किया है, उन्हीं के आधार पर, जिन कंडीशन में उन्होंने जो किया है, वही हमें करके उस काम में बीच का रास्ता निकालना है। नीति शास्त्र के हिसाब से इस संसार में 100% गलत और 100% सही कोई चीज नहीं होती। नीति शास्त्र के हिसाब से 100% सही और 100% गलत कोई चीज नहीं होती। दोनों के बीच में गैप होता है, और उस दोनों के बीच के गैप में जो रास्ता आप निकालते हैं, उन रास्ता निकालने में बहुत सारे नियमों की स्टडी को करना होता है, और वो सारे नियम आपको एथिक्स या नीति शास्त्र में मिलते हैं। तो इसी कारण नीति को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए, बेसिक मैंने आपको सारा बता दिया है। एक चीज और याद रखना कि एकमात्र ये जो सब्जेक्ट है, एकमात्र यह ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट से आपका इंटरव्यू चुटकियों में निकल सकता है।
एकमात्र ये ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट के आधार पर आपका इंटरव्यू चुटकियों में निकल सकता है। आपने कितनी ही मेहनत की हो, आपने कितनी ही बार प्री निकाला हो, आपने कितनी ही बार मेंस निकाला हो, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाते तो आपकी वो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। और मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ कि इंटरव्यू में सबसे अहम योगदान किसी सब्जेक्ट का है तो वो यही है, नीति शास्त्र है। क्योंकि जब वहाँ आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चनों में बहुत सारी कंडीशन दी जाती हैं, और उन सारी बहुत सारी कंडीशनों में कौन सी कंडीशन आप चुन रहे हैं, इसी आधार पर आपका चुनाव होता है, इसी आधार पर आपका चुनाव होता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि अरे हम जो चुनेंगे वही सही होगा। जी बिल्कुल नहीं, आपको इस विषय के अंदर आने वाले सभी सिद्धांतों को एक साथ अप्लाई करके उस कंडीशन में जो आपको बीच का रास्ता निकालेंगे वही सर्वश्रेष्ठ निर्णय होगा। आप अपने हिसाब से जो निर्णय देंगे वो कभी सर्वमान्य नहीं होता। आप जहाँ वहाँ पर जब इंटरव्यू में जो निर्णय देंगे, जो भी आपसे पूछा जाएगा उसका जवाब जब आप देंगे, तो उस जवाब में केवल और केवल यही विषय परिवर्तन ला सकता है। इस विषय को पढ़ने के बाद देखो, अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि यार हमारी जो सोच है, हमारा जो निर्णय है वो कैसे बदल सकता है, लेकिन आप गारंटी मानिए कि जब आप एक बार इस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ लेंगे तो आपके जीवन में एक विशेष बदलाव आएगा। आप हर एक वस्तु को, हर एक परिस्थिति को, हर एक व्यक्ति को, हर समाज को एक अलग नजरिए से देखेंगे, एक अलग नजरिए से देखेंगे। नजरिए से देखने के बाद उसका एनालिसिस करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, अवलोकन करने के बाद निर्णय लेंगे। अभी क्या होता है, हमसे कुछ पूछा जाता है और हम तुरंत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन इस विषय में बहुत सारे सिद्धांत हैं, उनमें ये कहा जाता है कि पहले आपको उस परिस्थिति की स्थिति को समझना है, उसकी कंडीशन को समझना है, उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन करना है, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद बहुत सारे सिद्धांतों का प्रयोग करके फिर निर्णय देना है, जो कैसा हो, पूर्णतः सही ना हो लेकिन एक बीच का रास्ता हो जो कि पूर्णतः गलत भी ना हो। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं इस शब्द की। सबसे पहले हम बात करते हैं एथिक्स शब्द की उत्पत्ति की। एथिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है, एथिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीस भाषा के, ग्रीक भाषा के, ग्रीक आपको पता है एथेंस, यूनान, यूनान आज वर्तमान नाम है, पहले उस देश को ग्रीक कहा जाता, ग्रीस कहा जाता था, और ग्रीस में बोले जाने वाली भाषा ग्रीक भाषा होती थी, है ना। तो वर्तमान उसका नाम यूनान है, जिसकी राजधानी एथेंस है, तो वहीं पर एक भाषा थी ग्रीक। तो ग्रीक भाषा का शब्द था एथियोस, कहीं कहीं एथिकोस भी लिखा रहता है, कहीं कहीं एथिका भी लिखा रहता है। तो एथिकोस आए या एथिकोस आए या एथिकोस आए या एथिका आए, एथियोस, एथिकोस या एथिका, इनका, इनसे ही ओरिजिन हुआ है एथिक्स का। अगर आपसे बेसिकली पूछा जाए कि एथिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा के किस शब्द से, एथिका शब्द थे। जब एथिका शब्द से हुई है तो एथिका का मतलब क्या होता था, एथिका का मतलब होता था रीति रिवाज। एथिका का मतलब क्या होता था, रीति रिवाज, परंपरा, रीति रिवाज, परंपरा। तो जो रीति रिवाज और परंपरा प्राचीन काल में यूनान में चलते थे उनको एथिका कहा जाता था, और वही रीति रिवाज आज के समय में क्या हैं उनको हमने एथिक्स में नियमों और सिद्धांतों के आधार पर रखा गया है। बात समझ में आई। इसी में एक शब्द का उपयोग और होता है मोरल, एक शब्द का और उपयोग होता है मोरल। मोरल शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, मोरल शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जो वर्तमान में मोरलिटी के रूप में उपयोग किया जाता है। मोरलिटी का मतलब क्या होता है, नीतियाँ, कि आपकी नीति कैसी है ना। कभी कभी ये कह दिया जाता है कि मोरलिटी और नीति शास्त्र एक ही है ना। एक बार पूछा क्वेश्चन आया था मेंस में कि नीति शास्त्र और मोरलिटी, नैतिकता और मोरलिटी में आप अंतर बताइए, नीति शास्त्र और मोरलिटी में अंतर बताइए। तो देखो, नीति शास्त्र क्या है, नीति शास्त्र का मतलब होता है कि आपको अपनी नीतियों के अनुसार चलना है, आप अपनी नीति को नहीं बदल सकते, आपको अपनी नीति को नहीं बदलना है, और आपको अपनी नीतियां, कानून, संविधान, समाज, इन सभी को लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी बता देंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लो आप जज हैं, आप क्या हैं, जज हैं, आपके सामने एक अपराधी आता है, आपके सामने एक अपराधी आता है और उस पर कुछ दंड का इंजाम है ना, उस पर कुछ इंजाम है कि इसने ये किया है, तो आपको उसको दंड देना है। सारे सबूत
सारे सबूत उसके विपक्ष में हैं। उसके विपक्ष का मतलब ये है कि उसको वो अपराधी साबित करते हैं, आपको अपराधी साबित, आप जब उन सबूतों को एनालिसिस करते हैं तब वो सारे सबूत उसको अपराधी साबित करते हैं, जबकि आपको ये पता है कि ये व्यक्ति निर्दोष है, आपको ये पता है कि ये व्यक्ति निर्दोष है। कैसे पता है? या तो आपने अपने अनुभव से उसको पहचान लिया, क्योंकि चेहरे पर भी बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, या वो आपका करीबी हो सकता है, या वो आपका जिगरी दोस्त हो सकता है, किसी भी कंडीशन हो, कहीं से भी आपको पता है, लेकिन आपको पता है कि ये निर्दोष है, आपको ये पता है कि निर्दोष है और उसके विपक्ष में सारे सबूत हैं कि ये दोषी है, तो आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? तब आप अगर उसे सजा देंगे, तब आप अगर उसे सजा सजा देंगे तो वो क्या है? नीति शास्त्र है। क्योंकि आपकी नीति क्या है? लोक सेवक होते हुए आपकी नीति क्या कहती है? कि आप नियम और कानून और संविधान के आधार पर चलेंगे, चाहे वो गलत हो या सही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो सबूत उसके खिलाफ हैं तो आप उसे क्या करेंगे? सजा देंगे, ठीक है। तो वो क्या है? नीति शास्त्र है। लेकिन आपके अंदर जब आप झांकेंगे तो आपकी अंतरात्मा क्या कहेगी? आपकी अंतरात्मा कहेगी, नहीं यार, ये व्यक्ति बेगुनाह है, ये व्यक्ति बेकसूर है, इसको सजा नहीं देनी चाहिए। तो जब आप नियम कानूनों के अलावा अपने अंतरात्मा की बात सुनते हैं और किसी व्यक्ति को नैतिक आधार पर सही साबित करते हैं, तो वो मोरलिटी कहलाती है। बात समझ में आई? ठीक है। तो आपका जो पद है, जो पद की गरिमा है, तो जो पद की गरिमा के साथ जो काम होता है वो नीति शास्त्र में आता है ना, एथिक्स में आता है। और जो आपके अंदर की आत्मा कहती है कि नहीं भाई, ये दोषी नहीं है, बेगुनाह है, तो वो आपका मोरलिटी में आता है। ये बेसिक सा अंतर होता है, लेकिन कहीं कहीं इसको एक भी माना जाता है, क्योंकि नैतिकता ही नीति शास्त्र का एक भाग है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि नीति शास्त्र का आशय क्या है। अगर आपसे 3 नंबर में पूछ लिया जाए कि नीति शास्त्र का आशय क्या है, तो आप क्या लिखेंगे या क्या समझाएंगे? आगे ले जाना, कैरी टू फॉरवर्ड, आगे ले जाना। अब भाई आगे ले जाना, किसे आगे ले जाना? तो सबसे पहले आपको दिमाग लग जाना, किसे आगे ले जाना, कैसे आगे ले जाना, कहाँ ले जाना और क्यों ले जाना। ठीक है। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। नीति शास्त्र का आशय क्या है? आगे ले जाना। किसे ले जाना? मानव के ऐच्छिक क्रियाकलापों को। ठीक है। मानव के ऐच्छिक क्रियाकलापों को। क्रियाकलापों का मतलब ये है कि आप जहां रह रहे हैं, मानव जहां रहता है, उस समाज में, उस टाउन में, उस सिटी में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, और वो क्रियाकलाप कैसे? ऐच्छिक। बहुत सारे क्रियाकलाप ऐसे भी होते हैं जो अनैच्छिक हैं, है ना, जैसे चोरी, किसी भी व्यक्ति को मारपीट देना, झगड़ा करना, है ना, डांका डालना, किसी की हत्या कर देना, ये कैसे? अनैच्छिक कार्य हैं। तो अनैच्छिक क्रियाकलाप भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐच्छिक क्रियाकलापों को, जो अच्छे हैं, जो सही हैं, जो राइट हैं। ठीक है। तो किसे आगे ले जाना? देखो, नीति शास्त्र का आशय है आगे ले जाना। किसे ले जाना? मानव की अच्छे क्रियाकलापों को। मानव के जो अच्छे क्रियाकलाप हैं उनको हमें अपडेट करके आगे ले जाना, जिससे मानव का विकास हो सके। कैसे ले जाना? कैसे ले जाओगे? आप आपके ज्ञान से ले जाओगे। किससे ले जाओगे? ज्ञान से। और ज्ञान कहाँ से आएगा? नीति शास्त्र पढ़ने से। जब आप नीति शास्त्र को पढ़ लेंगे तब आपको ज्ञान आ जाएगा। और ज्ञान कैसा आएगा? उचित और अनुचित के विभेद ज्ञान। आप देखो, अभी क्या होता है, अभी आपके सामने किसी भी परिस्थिति को रखा जाए तो आप उसका निर्णय ऐसे ही ले लोगे। ऐसे ही ले लोगे का मतलब अपने ही विचार के आधार पर निर्णय ले लोगे। लेकिन जब आप इस विषय को पढ़ लोगे, तब आप जब निर्णय को लोगे, तब आपके अंदर बहुत सारे सिद्धांत होंगे, बहुत सारे नियम होंगे, और उन सिद्धांतों और नियमों के आधार पर जब आप निर्णय लेंगे तो उनमें एक निर्णय होगा उचित और एक निर्णय होगा अनुचित। तो उचित क्या है, अनुचित क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। उसका आपको विभेद ज्ञान होना चाहिए। और वो ज्ञान कहाँ से आएगा? नीति शास्त्र को पढ़ने से। तो कैसे ले जाना? ज्ञान के माध्यम से ले जाना। ज्ञान कैसा होगा? सही ज्ञान होगा, उचित ज्ञान होगा। तो उचित ज्ञान के माध्यम से ले जाना। कहाँ ले जाना? कहाँ ले जाना? कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर। कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर। कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर।
कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर, मतलब बुरे पथ से अच्छे पथ की ओर ले जाना है, अपने कर्तव्यों के पथ पर ले जाना है, ताकि उस समाज का क्या हो सके, विकास हो सके। ठीक है, तो कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर ले जाना, क्यों ले जाना, क्यों ले जाना, इसलिए ले जाना कि सुखद मानवीय जीवन का क्या हो सके, सुखद मानवीय जीवन की स्थापना हो सके, सुखद मानवीय जीवन की स्थापना हो सके, ऐसा जीवन बन सके जो सुखमय हो, है ना, सुखमय जीवन, या फिर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ऐसा राज्य बन जाए जो कैसा हो, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। क्यों ले जाना है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, सुखद मानवीय जीवन के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए, समाज हित के लिए, सामाजिक विकास के लिए। ठीक है, तो बात समझ में आई, एक बार फिर से रिविजन करिए, किसे ले जाना, मानव के अच्छे क्रियाकलापों को। नीति शास्त्र का क्या, नीति शास्त्र क्या है, नीति शास्त्र से क्या आशय है, आगे ले जाना, किसे ले जाना, मानव के अच्छे क्रियाकलापों को, कैसे ले जाना, ज्ञान के माध्यम से, कहां ले जाना, कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर, क्यों ले जाना, विकास के लिए, सुखद मानवीय जीवन की स्थापना के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। अब तीन नंबर में कभी आपसे पूछ लिया जाए कि नीति शास्त्र के लाभ बताओ, नीति शास्त्र से क्या लाभ है, नीति शास्त्र हम क्यों पढ़ते हैं, है ना। तो नीति शास्त्र में आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि नीति शास्त्र से यह लाभ है कि समाज का विकास होता है, दूसरा सामाजिक हित होता है, तीसरा व्यक्तिगत हित होता है, चौथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान हो जाता है, हमें कर्तव्य का पता चल जाता है, हमें कर्तव्य का पता चल जाता है कि हमारा कर्तव्य सही क्या है और गलत क्या है। नीति शास्त्र का क्या लाभ है, सबसे पहले तो हमें, अभी देखो अभी ज्ञान नहीं है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, संस्कृत, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ लीजिए, इस सब्जेक्ट से आपको ज्ञान तो आएगा, ज्ञान तो आएगा, लेकिन ज्ञान सही क्या है और गलत क्या है ये नहीं आएगा। ज्ञान आना एक अलग चीज है और सही और गलत ज्ञान आना ये अलग चीज है। सारे सब्जेक्टों से हमें ज्ञान आता है, नो डाउट, लेकिन उनमें सही क्या है और गलत क्या है इसकी स्पष्टीकरण करता है, इसका स्पष्टीकरण करता है आपका नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र से क्या लाभ है कि ज्ञान, सही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सही कर्तव्य पता चल जाता है। कर्तव्य तो सब करते हैं, है ना, एक व्यक्ति कलेक्टर के तौर पर रिश्वत ले रहा है लेकिन कलेक्टर है, कार अपना कर रहा है, कार कर दिया भाई पैसे दे दो, इतने मुझे भाई इतने पैसे दे दो मैं आपका काम कर दूंगा, तो उतने पैसे तो ले लिए, साइन भी कर दिया, साइन कर दिया मतलब उसका कर्तव्य कर दिया, लेकिन कर्तव्य कैसा है, सही है क्या, गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि रिश्वत से किया है, अपने से नहीं किया। जब व्यक्ति अपने से करता है तो वह कर्तव्य सही होता है। तो भ्रष्टाचार रहित कार्य होना चाहिए, भ्रष्टाचार रहित कर्तव्य होना चाहिए। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि नीति शास्त्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो नीति शास्त्र के अध्ययन में हम किन चीजों को इंक्लूड करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक लाइन में आपको बताना चाहूंगा कि नीति शास्त्र में सभी जितने भी मानव हैं, सभी मानव को समाज के साथ अध्ययन किया जाता है। जो समाज है उस समाज की स्थापना के लिए सभी मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन किन का अध्ययन नहीं होता तो उनको बस याद रख लीजिए, और उनके अलावा जितने भी पहलू हैं उन सभी का अध्ययन होता है। तो मैं आपको चार चीजें बताऊंगा जिनका अध्ययन नीति शास्त्र में नहीं किया जाता, और इन चारों के अलावा जितनी भी चीजें हैं सबका अध्ययन किया जाता है। और एक मोटे तौर पर हम खुद समझते हैं कि जैसे भाई कोई व्यक्ति पागल है, वो तो पागल है बेचारा, उसका तो दिमाग ही भगवान ने नहीं दिया, तो वो क्या कर सकता है, वो क्या नीति शास्त्र को समझेगा। समझ में आ रहा है, कोई व्यक्ति पागल है, रास्ते से जा रहा है, उसको भूख लगी, भूख लगने के बाद कहीं उसने चोरी की, और चोरी करने के बाद उसने खाना खा लिया, तो क्या उसके लिए नैतिक है, चोरी करना उसके लिए नैतिक होगा या अनैतिक होगा, आप मुझे बताइए। अब बेचारा पागल है, उस पागल पर हम क्या नीतियां लगाएंगे, नहीं लगा सकते, उसको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। तो जो लोग पागल हैं, जो लोग मंद बुद्धि हैं, है ना, जो लोग मनोविकार से ग्रसित हैं, या दिमागी किसी भी प्रकार का कोई विकार से ग्रसित हैं, या गजनी टाइप, एक मूवी भी आई थी गजनी, देखा होगा आपने, जो 15 मिनट में भूलता था, दिमाग तो उसका सही था लेकिन 15 मिनट बाद वो भूल जाता था, तो गजनी टाइप व्यक्तियों का हम कुछ नहीं कर सकते।
तो गजनी टाइप व्यक्ति हो गया, दिवालिया हो गया, मंदबुद्धि हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट 0 से 7 वर्ष, 0 से 7 वर्ष के बच्चे, 0 से 7 वर्ष के बच्चे जो हैं वो इसकी कैटेगरी से क्या है, बाहर हैं। बच्चों को भी क्या है, ज्ञान नहीं होता, बच्चों को हम पागल तो नहीं कह सकते, लेकिन बच्चों का दिमाग पागलों जैसा ही होता है। बच्चों से हम जो कहते हैं कि नहीं करना, वो जबरदस्ती करते हैं। तो बच्चों का भी ज्ञान नहीं होता, उनका भी दिमाग विकसित नहीं होता, तो उनको भी नीति शास्त्र की कैटेगरी से बाहर रखा गया है। तो इतनी चीजें बाहर हैं, 0 से 7 वर्ष के बच्चे, पागल, मंदबुद्धि, मनोविकारी, गजनी टाइप व्यक्ति, दिवालिया, या फिर कोई व्यक्ति नशे में है। कोई व्यक्ति अगर नशे में है और उसने कुछ गलत काम कर दिया, तो वो काम गलत तो माना जाता है, लेकिन उस पर थोड़ी सी रियायत बरती जाती है, उस पर थोड़ी सी रियायत बरती जाती है कि भाई नशे में था, नशे के चलते ये सब हो गया है, ठीक है, तो उसने जानबूझकर नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं हम। देखो, नीति शास्त्र बहुत प्रकार का होता है, नीति शास्त्र बहुत प्रकार का होता है, लेकिन हमें यहां पर केवल एक ही नीति शास्त्र को पढ़ना है, जो होगा आपका प्रशासनिक नीति शास्त्र, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में आपको केवल और केवल प्रशासन के आधार पर नीति शास्त्र को पढ़ना है। सामान्य भाषा में मैं कहूं तो जो पोस्ट पर आप पहुंचेंगे, जिस भी पद पर आप पहुंचें, चाहे आप DSP बने, चाहे आप DM बने, चाहे आप SDM बने, चाहे आप नायब तहसीलदार बने, किसी भी पद पर आप पहुंचते हैं, तो पद पर पहुंचने के बाद हर एक पद के नियम अलग होते हैं, हर एक पद के रूल्स एंड रेगुलेट अलग होते हैं। तो उन नियमों को ही पढ़ना और उन नियमों के आधार पर ही चलना, वो उसी फील्ड का नीति शास्त्र कहलाता है। तो हमें यहां पर केवल प्रशासनिक नीति शास्त्र की बात करनी है। नीति शास्त्र सबका अलग अलग होता है, प्रशासन का अलग नीति शास्त्र है ना, चिकित्सक का अलग नीति शास्त्र है ना, जो डॉक्टर वगैरह होते हैं उन मेडिकल में भी एक नीति शास्त्र होता है। मेडिकल में भी ये सिखाया जाता है कि कितना काटना सही होगा, कितना काटना गलत होगा, कौन सी दवाई देना सही होगा, कौन सी दवाई देना गलत होगा, किस दवाई की मात्रा कितना देना सही होगा, कितना देना गलत होगा। तो सही और गलत, सही दवा और गलत दवा का जो विभेद ज्ञान है, वो मेडिकल नीति शास्त्र है, मेडिकल नीति शास्त्र है, चिकित्सीय एथिक्स है, ठीक है। तो मेडिकल का अलग होता है, अलग अलग पोस्टों का अलग अलग होता है ना। तो बहुत सारे नीति शास्त्र हैं, जो कोर्ट होता है ना, वकील है, जज है, उनका नीति शास्त्र अलग होता है ना। वो इस पर अध्ययन करते हैं कि कौन से व्यक्ति ने किस कंडीशन में कौन सा जुर्म किया है ना, उसने अपने बचाव के चक्कर में तो नहीं किया। जैसे मान लो आपका परिवार है, आपके परिवार के साथ कोई व्यक्ति गलत करता है, और आप वहां पहुंच जाएं और आपके परिवार में आपके पिताजी को बचाते हुए किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए, तो आपने किया तो मर्डर है, लेकिन वो आपने बचाव में किया है। तो इस तरीके से सही और गलत क्या है, इसका ज्ञान जो है वो कोर्ट में अलग रहता है। तो सभी जगह एथिक्स का उपयोग होता है, लेकिन हमें केवल यहाँ पर प्रशासनिक नीति शास्त्र पढ़ना है। और प्रशासनिक नीति शास्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट है लोक सेवा। देखो, प्रशासनिक नीति शास्त्र जब आप करेंगे है ना, तो उसमें आपको बहुत सारे काम मिलेंगे। तो प्रशासनिक नीति शास्त्र में जब आप लोक सेवा करेंगे, लोक सेवा का मतलब होता है लोगों की सेवा। आपको कैसी करनी है, लोगों की सेवा आपको ऐसी करनी है कि जो सुशासन के पथ पर पहुंच सके। लोगों की सेवा आपको सुशासन के लिए करनी है, ना कि कुशासन के लिए। सुशासन और कुशासन, सुमार्ग मतलब सन्मार्ग और कुमार्ग। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, सन्मार्ग और कुमार्ग, तो जो कुमार्ग है वही कुशासन है, और जो सन्मार्ग है वही सुशासन है। तो आपको सुशासन का मतलब होता है सही शासन। सही शासन कैसे बनेगा, जब आपकी लोक सेवा सही होगी। और सही लोक सेवा कहाँ से पता चलेगी, आपके प्रशासनिक नीति शास्त्र से, क्योंकि नीति शास्त्र ही वो विषय है जो सही और गलत का ज्ञान देता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सही गलत क्या है, सही गलत लगाया हुआ है सर ने, लेकिन जब आप इस एथिक्स को कम्प्लीटली पूरा पढ़ लेंगे तब आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें हो जाएंगी कि आपके दिमाग का एक इस तरीके से ब्रॉड विकास होगा कि आपको लगेगा कि यार इतनी सारी चीजें तो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं थी। ये पढ़ने के बाद मेरा जीवन बिल्कुल आसान बन गया है। किसी भी परिस्थिति में मैं कोई भी डिसीजन लेने में और किसी भी परिस्थिति को सॉल्व करने में मैं जरा भी नहीं हिचकता।
बहुत सारे परिवारों का आप सुलझा निपटान कर सकते हैं, परिवार में जो क्लेश है उसको दूर कर सकते हैं, जो मनमुटाव है परिवार में उनको भी सही कर सकते हैं, आपसी झगड़े को सही कर सकते हैं, पारिवारिक झगड़े को सही कर सकते हैं। बहुत सारी कितनी भी कठिन परिस्थिति आपके सामने आ जाए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने नीति शास्त्र पढ़ा है तो आप सभी कंडीशन को बहुत आसानी से सही कर देंगे, इसलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। तो जब आप प्रशासन में बैठे होंगे तब आपको लोक सेवा करना है, तब आपको लोगों की सेवा करना है। जब आप लोगों की सेवा करेंगे तो आपको चार बातों का ध्यान रखना है। जब आप लोगों की सेवा करेंगे तो निश्चित तौर पर आप निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई योजना आनी है, समाज में कोई काम होना है, रोड बनना है, किसी व्यक्ति को दंड देना है ना, दंड देना आपके हाथ में तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करना रहता है। तो इस तरीके से जब बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा। जब आप निर्णय लेंगे तो आपको केवल चार बिंदुओं को ध्यान रखना है। अभी मैं बेसिक चार बिंदुओं को बताता हूं, लेकिन आने वाले एथिक्स में आपको बहुत सारे फिर नियम कानून भी लगाने हैं, बहुत सारे सिद्धांत भी लगाने हैं, बहुत सारे दार्शनिक जो हैं, फिलोसोफर जो हैं, उनकी सोच को भी इंक्लूड करना है कि भाई गांधी जी क्या सोचते थे, अरस्तु क्या सोचते थे, प्लूटो क्या सोचते थे, सुकरात ने क्या सिद्धांत दिए थे, दयानंद सरस्वती का क्या कहना था, गुरु नानक देव जी क्या कहते थे, चाणक्य ने क्या कहा था। चाणक्य नीति सुना है ना आपने, चाणक्य की नीतियां भी बहुत बड़ी थी, तो चाणक्य नीति को भी हम पढ़ेंगे। तो सारी नीतियां पढ़ने के बाद आप जब डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन कहीं ना कहीं बहुत सॉलिड होगा, जो समाज का विकास करेगा ही करेगा। क्लियर है? तो फिर भी बेसिक मैं आपको बता दूं कि आपको चार चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप निर्णय या डिसीजन लेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना संविधान का ध्यान रखना है कि भाई जब आप निर्णय ले रहे हैं तो किसी भी प्रकार से किसी भी संविधान के आर्टिकल का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। ये पहले चेक करेंगे आप संविधान का उल्लंघन तो नहीं। अब आपके दिमाग में आ रहा है ये संविधान क्या है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि संविधान क्या है, तो निश्चित तौर पर पॉलिटी की भी क्लास डलने वाली है। तो पॉलिटी की क्लास में मैं आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझाऊंगा कि किस तरीके से हमारा भारत का संविधान है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन, मीडिया, चुनाव पद्धति, है ना, संसद की व्यवस्था, है ना, सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अध्यादेश कैसे आता है, बिल पास कैसे होता है, कश्मीर का निपटारा कैसे हुआ है, केंद्र शासित कैसे बनते हैं, राज्य कैसे बनता है, योजनाएं कैसे आती हैं, CBC क्या करती है, CBI कैसे बनती है, रॉ की नियुक्ति कैसे होती है, सभी चीज़ों को मैं बहुत गहराई से आपको समझाऊंगा। तो वो क्या है, संविधान है। संविधान का सीधा सा मतलब है, अगर मैं एक शब्द में कहूं तो समाज या राज्य या देश के नियम, हमारे देश में जो भी नियम है। जैसे चुनाव होना है तो चुनाव ऐसे ही हो जाता है क्या? चुनाव की एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया है, एक नियम है। भर्ती होना है तो उसका नियम है, एग्जाम होना है तो उसका एक नियम है, नियम प्रोसेस होती है, किसी भी चीज की नियम प्रोसेस होती है तो वो संविधान है। संविधान को ध्यान में रखना है। दूसरा, आपको कानून को ध्यान में रखना है, संविधान को ध्यान में रखना है, कानून को ध्यान में रखना है कि लॉ का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। लॉ अलग चीज है, देखो कानून दंडिक प्रक्रिया है, दंड जब कोई देता है तो वहां वो कानून CRPC और IPC, इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो ये दो प्रकार की धाराएं होती हैं, तो उन कानूनों में तो उल्लंघन नहीं हो रहा। बेसिक कुछ कानूनों को सिखाया जाता है जो कि जज से थोड़े से अलग होते हैं। तो कानून सर्वोपरि हो, संविधान सर्वोपरि हो, उसके बाद मान्य नीतियां, समाज में कुछ नीतियां मान्य होती हैं, समाज में कुछ नीतियां मान्य होती हैं, उन नीतियों को आपको लेकर चलना है। जैसे किसी गांव में एक नीति है, जैसे मान लो कोई गांव है, वो उस गांव में कोई धार्मिक नीति बहुत चर्चित है, है ना, मंदिर में वो कुछ इस तरीके से पूजा करते हैं कि भाई वो उनकी परंपरा रही है कई सालों से, और आपका भी जुलूस वहीं से निकलना है, आपकी मतलब रैली भी वहीं से निकलनी है, और वो रैली कहीं ना कहीं उनकी मान्य जो रीतियां हैं, जो परंपरा है, जो धार्मिक प्रथाएं हैं, उनमें कहीं ना कहीं अगर डिस्टर्बेंस करती है तो आपको उसका भी बैलेंस बनाना है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में, या हमारे भारतीय हिंदू धर्म में हम कहें तो,
विवाह है केवल एक व्यक्ति से होता है, तलाक के बाद दोबारा हो जाता है वो एक अलग व्यक्ति अलग प्रथा है, लेकिन विवाह केवल एक व्यक्ति से होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने भारत में बहुविवाह की प्रथा को क्या कर सकें, लागू कर सकें, है ना। तलाक के बाद होना एक अलग चीज होता है, लेकिन बहुविवाह हमारे भारत में प्रचलन में नहीं है। इस्लाम में है वो एक अलग चीज है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारी जो प्रजाति जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो जनजाति लोग हैं, है ना, नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि वहां बहुविवाह प्रचलन में होता है, एक व्यक्ति की बहुत सारी शादियां होती हैं, है ना। तो वो उनकी क्या है, मान्य रीतियां हैं, तो उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनकी जो रीतियां हैं उनको हम क्या करेंगे, बरकरार रखेंगे, है ना। बहुत सारे आपने देखा होगा जो ट्राइबल होते हैं मध्य प्रदेश में, उनमें बहुत सारे विवाह के अलग अलग तरीके होते हैं, है ना, वो दूध लौटावा प्रथा होती है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जनजाति लोगों में लागू होती हैं, तो वो उनकी मान्य रीतियाँ हैं, चाहे वो धार्मिक रीति हो चाहे वो उनकी स्वयं की रीतियाँ हों, उन रीतियों पर वो उन रीतियों को वो अपने समाज में लागू करते हैं, तो उनको भी हमको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि उनको हम क्या कर दें, बहिष्कार कर दें उनका, तो उनको भी हमको लेकर चलना है, ठीक है। तो बात समझ में आई आपको, तो रीतियाँ का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और तीसरा है, चौथा है आपका नैतिक मूल्य, चौथा आपका क्या है, नैतिक मूल्य। तो नैतिक मूल्य को आपको ध्यान रखना है, नैतिक मूल्य कहाँ से आएगा, नैतिक मूल्य आपका एथिक्स से आएगा। जब एथिक्स को आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपके मन में वैल्यू, एथिकल वैल्यू, नैतिक मूल्य विकसित हो जाएंगे। कानून का ज्ञान आपको ट्रेनिंग में दिया जाएगा, संविधान आप पॉलिटी में पढ़ लेंगे, मान्य जो रीतियां हैं वो आप ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे। जब हम मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आप बहुत सारी जनजातियां हैं उनको भी पढ़ लेंगे, भारत की जनजातियों को भी समझ लेंगे और उनकी आप रीतियों को भी समझ जाएंगे, और उनके जो धर्म हैं उनके धर्मों के कर्मकांड जो हैं वो संविधान में भी इंक्लूड हैं विथ आर्टिकल। तो ये सब ज्ञान आपको हो जाएंगे, बचेगा आपका नैतिक मूल्य। तो नैतिक मूल्य का जो ज्ञान है वो आपको एथिक्स से हो जाएगा, है ना। नैतिक मूल्य को मैं सामान्य भाषा में समझाऊं तो ये कि सही क्या है और गलत क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक मंदिर है, उस मंदिर में बहुत सारी मान्य रीतियां, बहुत सारी मान्य धार्मिक रीतियां लागू हैं, उस मंदिर पर उस गांव के लोग सबसे ज्यादा आस्था रखते हैं, आप लोक सेवक हैं, आपको ऊपर से ऑर्डर आया कि उसी मंदिर के यहां से एक रोड निकलना है, तो अतिक्रमण में उस मंदिर को क्या करना है, तोड़ना है, ये कंडीशन है। कुल मिलाकर आपको वहां से रोड निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले परिस्थिति देखेंगे कि भाई क्या है, मंदिर है बीच में, मंदिर है तो उनकी मान्य धार्मिक रीतियां हैं। अगर आप रीतियों पर जाएंगे और अगर रोड नहीं बनाएंगे, जैसे आपने रोड नहीं बनाया, संविधान का उल्लंघन हो गया, कानून का उल्लंघन हो गया। अगर आपने उसी मंदिर को तोड़कर रोड बना दिया, कानून और संविधान तो ठीक है, रीतियों का उल्लंघन हो गया, जो कि नैतिक मूल्य के भी क्या है, विरुद्ध है। तो आपको इन चारों के बीच में सामंजस्य बैठाना है और एक बीच का रास्ता निकालना है, कैसा, कि या तो आप क्या कर सकें, रोड तो निकालें क्योंकि संविधान और कानून ने कहा है, या तो आप रोड बाजू से ले लें, या आप ऐसा कर दें कि भाई उस मंदिर को साइड में शिफ्ट कर दें, थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर दें, यहाँ के आप लीडर से बात करेंगे कि भाई यहाँ से रोड निकलना है, है ना, रोड तो निकलेगा ही क्योंकि कानून और संविधान ने कहा है, तो आपकी मान्य जो धार्मिक रीतियां हैं उनका भी उल्लंघन नहीं होगा, आपका मंदिर भी बचा रहेगा, तो मंदिर को हम यहाँ बनवा देंगे बहुत अच्छे से, या फिर किसी भी तरीके से अरेंजमेंट करके रोड को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया जाए, है ना। तो ये तीनों में जो बीच का रास्ता है वो नैतिक मूल्य से निकलता है, किससे निकलता है, नैतिक मूल्य से निकलता है, और ये कौन देता है आपको, एथिक्स देता है, नीतिशास्त्र देता है, है ना, सही और गलत का विभेद ज्ञान, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, तो जो नीतिशास्त्र है इसके आधार पर आप बहुत सारे कर्तव्य करते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं, निश्चित तौर पर जब आप एक अधिकारी बन जाएंगे, आप अधिकारी बन जाएंगे, कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, कर्तव्य करेंगे, आप जब वहां जाएंगे कर्तव्य करेंगे, या तो कर्तव्य आप सही करेंगे या कर्तव्य आप गलत करेंगे, या तो कर्तव्य आप बिना रिश्वत के करेंगे या आप कर्तव्य रिश्वत लेके करेंगे। कर्तव्य तो हर व्यक्ति करता है, कर्तव्य हर व्यक्ति करता है, बस अंतर ये है कोई रिश्वत लेता है कोई नहीं लेता। तो जब आप कर्तव्य करेंगे तो आपको कर्तव्य का क्या होगा, अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगी, है ना। किसी को अगर अभ्यास समझ में नहीं आता तो मेरा पिछला लेक्चर आप जाके देख लेंगे, तो आपको अभ्यास या प्रैक्टिस के बारे में
पूरा डिटेल से मैंने वीडियो बनाया है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है और उसका परिणाम क्या होता है। जब आप कर्तव्य करेंगे तो उस कर्तव्य, देखो आप जैसे मान लो कलेक्टर है तो आपको केवल एक कर्तव्य थोड़ी करना है कि भाई आप कलेक्टर बन चुके हैं, आपका एक कर्तव्य था, आपने कर्तव्य किया, आप रिजाइन दीजिए, ऐसा नहीं होता। कर्तव्य आप बार बार करते हैं, जब आप कर्तव्य बार बार करते हैं तो उसका क्या होता है, अभ्यास होता है, और जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभ्यास हो जाता है, तो वो आदत बन जाती है, वो आपकी आदत बन जाती है। क्या बन जाती है? आदत बन जाती है। और जब आदत बन जाती है तो वही आपकी आदत आपके चरित्र निर्माण करती है। वही आपकी जो आदत है वो आपके चरित्र निर्माण करती है जो कि स्थायी होता है ना। यहां पर आदत तभी टेम्प्रेरी है, प्रैक्टिस आप टेम्प्रेरी कर रहे हैं, तो आदत जब बन गई तो आदत प्रैक्टिस से थोड़ा सा बढ़ गई और उसके बाद वो आपके चरित्र मतलब जो आपके गुण हैं उनमें इंक्लूड हो गई, स्थायी हो गई। और जब चरित्र निर्माण हो गया तो चरित्र निर्माण जब आपका हो गया तो वो आपका आचरण बन जाता है। आचरण का मतलब ये है कि वही आपका व्यवहार बन जाता है। अगर आपका चरित्र अच्छा हो गया तो आपका व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा, आपका आचरण भी अच्छा हो जाएगा। तो जब आपका आचरण अच्छा हो जाएगा तो आप सच्चरित्र काम करेंगे। आपका चरित्र कैसा होगा? सच्चाई पर आधारित होगा, सत्य के आधार पर होगा, सच्चरित्र होगा। जब आपका गुण सच्चरित्र होगा तब आप सद्गुणी कहलाएंगे। आप क्या कहलाएंगे? सद्गुणी। जब आपका चरित्र सच्चरित्र हो जाएगा तब आप सद्गुणी कहलाएंगे। देखो यहां पर चरित्र कैसा है, निर्माण हो रहा है, निर्माण हो रहा है, जो कि सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। लेकिन जब आचरण बन चुका है आपका, आपका आचरण ही बन चुका है जब, है ना। देखो कहते हैं कि जब व्यक्ति काम करता है तो या तो व्यक्ति गलत काम करेगा या व्यक्ति अच्छा काम करेगा। जब गलत और सही के बीच में, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसका उसे किसका चुनाव करना है। अगर वो जिसका चुनाव करेगा वो उसका आचरण बन जाएगा। सही का चुनाव करेगा सही आदत बन जाएगी, गलत करेगा गलत आचरण बन जाएगा। तो जैसा जैसा वो करेगा वैसा उसका आचरण बनेगा, सच्चरित्र हो जाएगा, और सच्चरित्र होने के बाद वो सद्गुणी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? सद्गुणी हो जाएगा। और जो सद्गुण है वो सबसे उच्च अवस्था है, सबसे उच्च अवस्था है इस संसार में। सबसे टॉप लेवल का कोई ज्ञान है ना, तो वो क्या है? आपका सद्गुण है। अगर आपके अंदर सद्गुण आ गया तो आपने संसार में सब कुछ पा लिया। और सब कुछ पाना केवल किसके आधार पर होता है? ज्ञान के आधार पर। कैसा ज्ञान? सही ज्ञान। सही ज्ञान किससे मिलेगा? एथिक्स से। इसलिए जरूरी है। तो आप सद्गुणी बन गए। क्या बन गए? सद्गुणी बन गए, ठीक है। अब इसी की उपज में ये विपरीत भी हो सकता है, इसी की उपत में ये विपरीत भी हो सकता है। लेकिन पहला थोड़ा सा समझ लीजिए, जो सद्गुण होता है ये सद्गुण पुण्यात्मा होता है। ये सद्गुण क्या होता है? पुण्यात्मा होता है। और जो सद्गुणी व्यक्ति होते हैं वो कार्यों को हमेशा नियमानुसार करते हैं, ये नियम के विरुद्ध कभी नहीं जाते। कौन से नियम? संविधान के नियम। कौन से नियम? कानून के नियम। कौन से नियम? समाज के नियम। इनके विरुद्ध नहीं जाते, समाज के साथ करते हैं, नियमानुसार करते हैं, जो कि पुण्यात्मा कहलाते हैं। जैसे आपके गांव में कुछ बनने की बात कही गई सरकार द्वारा, ये नियम आया, मान लो 1 करोड़ का कोई काम आपके गांव में होना है, ये क्या आया? नियम आया। 1 करोड़ का जब काम होना है, उसी 1 करोड़ के काम को अगर लोक सेवक ने 50 लाख का करवाया, 50 लाख का करवाया, नियम के कैसे है? विरुद्ध है, नियम अनुसार है नहीं है। कैसा है? अनुचित है। तो आप उसे क्या कहेंगे? पुण्यात्मा कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? पापात्मा। क्या कहेंगे? पापात्मा। आप गाली वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहां पर प्रोफेशनल शब्दों को यूज करेंगे क्योंकि आपको मेंस भी लिखना है। तो या तो काम नियम अनुसार होगा या काम नियम अनुसार नहीं होगा। तो वो काम 1 करोड़ आया, 1 करोड़ का ही काम कर दिया, नियम अनुसार कहलाया, उचित कहलाया, सद्गुणी व्यक्ति है भाई, कैसा है? पुण्यात्मा है। 1 करोड़ आया, 50 लाख खा लिया, 50 लाख का काम किया, कैसा है? दुर्गुणी है। दुर्गुणी है, पापात्मा है, नियम के अनुसार काम नहीं करता। काम कैसा करता है? अनुचित करता है। काम कैसा करता है? अनुचित करता है। तो काम इसी तरीके से होता है, पहले आप कर्तव्य करेंगे, फिर आपको अभ्यास होगा, फिर आपको आपकी आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी तो आपके चरित्र का निर्माण होने लगेगा, फिर वही चरित्र आपका आचरण बन जाएगा, और उसी आचरण से आपका सच्चरित्र बनेगा जो कि सद्गुण को दर्शाता है। और जब सद्गुण का गुण आपके अंदर आ गया तो वो सबसे उच्च अवस्था होती है, और ये
आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको सद्गुणी बनना है कि दुर्गुणी बनना है, एक अच्छा लोक सेवक बनना है कि एक बुरा लोक सेवक बनना है, जो आपको आपके नाम से जाना जाए, जो आपको आपके नाम से जाने, जब आप रिटायर भी हो जाएं तो लोग कहें कि यार साहब तो वो थे, साहब तो वो थे, क्या गजब का उनका काम था, क्या गजब की लीडरशिप थी। कभी आपने देखा होगा एक कलेक्टर ऐसा होता है जिसका सभी से जो जुड़ाव है वो बहुत अच्छा होता है, वो प्यून से लेकर टॉप लेवल के अपने सेक्रेटरी तक सभी लोगों को बहुत अच्छे से डील करता है, सभी से बात करता है, सभी के नाम जानता है, सभी से पूछता है क्या समस्या है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सभी स्थिति को बहुत अच्छे से पूछता है। और एक ऐसा होता है कलेक्टर जिसको जिसे कोई मतलब नहीं होता, आता है साइन करता है चला जाता है, बस वो ये पूछता है कितना बना, हमारा हिस्सा कितना बना हमको दे दो, फाइल लाओ साइन कर देता हूँ, साइन करता है अपना हिस्सा लेता है चला जाता है, किसी से कोई मतलब नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों को कोई याद नहीं रखता। सीबी चक्रवर्ती को लोग आज भी क्यों याद रखते हैं, भले वो केवल एक महीने के लिए आए थे, लेकिन सीबी चक्रवर्ती का नाम मेरे जहन में और सभी लोगों के जहन में इसलिए रहेगा क्योंकि उनने ऐसे ऐसे काम कर दिए कि जो लोग शायद कभी मन में भी नहीं सोच सकते। और उसके अलावा हजारों कलेक्टर आए और गए, किसी का नाम भी याद नहीं रहता है ना। तो लोग आपको किस लिए याद करते हैं, लोग आपको इसलिए याद नहीं करते कि आपने कितना भ्रष्टाचार किया, वो आपके आपको नाम से याद कर सकते हैं। तो आपका नाम कैसे बनेगा, सच्चे काम करने से है ना। तो झूठ बोलना या झूठे काम करना या गलत काम करना, दुर्गुणी काम करना, ये हमेशा से अनुचित रहा है ना। ये सिखाया भी जाता है। जैसे मान लो आपके परिवार, देखो ये परिवार पर भी डिपेंड करता है, कभी कभी क्या है बहुत सारी चीज़ें हमें परिवार से भी मिलती हैं। पहली चीज़ परिवार से मिलती हैं, परिवेश से मिलती हैं, समाज से मिलती हैं, आपका फ्रेंड सर्कल क्या है और आपकी शिक्षा संस्था कैसी है। शिक्षा संस्था सबसे अहम इम्पोर्टेंट योगदान रखता है। तो परिवार पहली चीज़ होती है, पहली नींव होती है। परिवार में आपका बच्चा है, किसी ने गेट खटखटाया, बेटे से कहा कह दो कि पापा घर पे नहीं है, बच्चा भी सोचता है कि यार पापा तो घर पे हैं, लेकिन पापा घर पे नहीं है ऐसा क्यों कह रहे हैं, पापा घर पे नहीं है वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसने ऐसा बोल दिया, वो व्यक्ति चला गया, फिर उसको पता चला कि अरे ये तो झूठ बोलना है, पहले झूठ बोलना है। तो पहले जब वो झूठ बोलेगा तो वो लड़खड़ाएगा, घबराएगा, दिक्कत होगी, लेकिन जब वो उसी झूठ को कॉन्फिडेंस से बोलेगा, उसी झूठ को कॉन्फिडेंस से बोलेगा तो आपको वो सही लगने लगेगा। समझ में आ रहा है ना। फिर पापा ने बेटे से पूछा, बेटा कहाँ हो, फिर बेटा जल्दी से सिनेमा हॉल से बाहर निकल के आया, पापा कोचिंग में हूँ, मैं कोचिंग में हूँ, आप फोन रखिए, डिस्टर्ब मत करिए, है मैं किसी और के साथ मूवी देख रहा हूँ, है ना, और क्या कह रहा है कि मैं कोचिंग में हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करिए। तो वो ये झूठ बोलना किससे सीखा है, वो आपसे ही तो सीखा है ना, है ना। तो ये बहुत छोटी चीज़ है। अब देखो यही चीज़ वो उसने सीखी आपसे है, लेकिन आप भी इसको भूल गए, वो भी इसको भूल गया, और उसने अपने जीवन में इसको आदत में ले आया। पहले झूठ बोलेगा, लड़खड़ाएगा, लेकिन जब उसकी आदत में आ जाएगा तो उसी झूठ को वो कॉन्फिडेंस से बोलेगा, उसी झूठ को कॉन्फिडेंस से बोलेगा, फिर उसकी जॉब भी लग जाएगी तो वही फिर वो वहां करेगा, और वही वो वहां करेगा तो वो भ्रष्टाचार होगा, वो क्या होगा, भ्रष्टाचार होगा। आपने देखा होगा जब कोई दूसरा व्यक्ति रिश्वत लेता है तो हम कितने अच्छे से कह देते हैं, अरे यार कितनी रिश्वत ले, कितना भ्रष्टाचारी व्यक्ति है ये, कितना भ्रष्टाचारी व्यक्ति है। और वही काम आपका बेटा करता है तो आप क्या कहते हैं, 10 लाख की कार ले ली, मेरा बेटा बहुत कमा रहा है, या उसका बेटा इतना कमा रहा है। तो जब आपका बेटा कमाता है तो वो कमाता है, और दूसरे का व्यक्ति जब कमाता है तो वो भ्रष्टाचार है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग हमसे ही सीखते हैं, और जब वही चीज़ें हमें प्रकृति वापस देती है तो हम अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। एक बात हमेशा याद रखना कि इस प्रकृति में अगर आज आप जो भी हैं, अगर आज आपको जो भी मिला है तो वो आपके ही परिणाम का नतीजा है। आपने ही इस प्रकृति को जैसा दिया है वही उस प्रकृति ने आपको लौटाया है। तो एक बात मेरी हमेशा याद रखिए कि जैसा लोग जो करता है वो वैसा भरता है। जैसी बॉल आप फेंकेंगे वह उतनी ही स्पीड से आपके पास वापस आएगी। न्यूटन का ये तीसरा नियम है,
ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।